हे हाय, आई हैड टेकन अ ब्रेक. मैं पढ़ाई कर रही थी टॉस की. नाउ दिस इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स, नॉट वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स, दिस इज अ सब्जेक्ट विच आई डोंट रियली लाइक, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है. एंड ऐसे मेरे साथ कई बार होता है, ऐसे मेरे साथ कई बार होता है कि व्हेन आई स्टडी दिस सब्जेक्ट न्यूमेरिकल स्पेशली, आई गेट स्टक इन अ स्टेप एंड आई एम लॉस्ट समवेयर इन माई थॉट्स. आज सुबह क्या किया था, कल खेलने कहाँ पे गई थी, कल परसों ये पोस्ट देखा था, एंड आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड उस स्टेप में. नाउ द रीजन बिहाइंड इज आई फाइंड दिस सब्जेक्ट समटाइम्स, हाँ समटाइम्स, वेरी अनइंटरेस्टिंग. बट इफ द सेम थिंग इज विद सब्जेक्ट नोन एज आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, मुझे समझता भी नहीं है टाइम कहाँ पे जाता है. आई एम सो मच इन्वॉल्व्ड ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ स्पेस सेग्रीगेशन, स्पेस मैनेजमेंट, कौन सा लेवल ऊपर जाएगा, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे होगा तो ऐसे क्या होगा. आई एम इन टू दैट सब्जेक्ट, आई लव दैट सब्जेक्ट. कहना क्या है, मुझे ये कहना है कि लर्न टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, नो वॉट यू लाइक. सो इन दिस केस, इन माई केस, ये सब्जेक्ट छोड़ के नहीं चलेगा. भाई फेल हो जाऊंगी मैं, मेरा क्या होगा फिर, तो ये सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है. बट यू नीड टू फिगर आउट सम वे टू गेट बैक टू द सब्जेक्ट. उसको करना तो पड़ेगा ना. इट इज़ अ थिंग जिसको सीखने के बाद तुम्हारा जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है मेन, मतलब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, उसको करने के लिए तुम्हें और बेटर तरीका दिखेगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट थ्रू अ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ स्पोर्ट, बैडमिंटन का सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं. जो मेन गेम है वो किससे खेली जाती है, शटल एंड रैकेट. ठीक है, बट खाली शटल और रैकेट लेके तुम गेम नहीं खेल सकते ना. अगर तुम्हें अपने स्ट्रोक स्ट्रांग चाहिए, तुम्हें अपनी स्पीड स्ट्रांग चाहिए, तो तुम एजिलिटी एक्सरसाइजेस करते हो, जिम जाना पड़ता है अपनी रिस्ट जो है, रिस्ट के मसल्स, उसे स्ट्रांग करने के लिए स्किपिंग करनी पड़ती है, बॉटल एक्सरसाइज करना पड़ता है, एंड देयर सो मच कॉम्प्लीमेंट्री. क्यों, ये करने से तुम्हारी गेम स्ट्रांग होंगी. सिमिलरली अगर हम इन बोरिंग सब्जेक्ट्स को ऐसे अप्रोच दें कि ये खेलने से, ये करने से अपनी जो मेन गेम है वो स्ट्रांग होगी, तो कितना मजा आएगा. और जब बोर होता है रनिंग स्किपिंग करते समय, ठीक है, क्योंकि वो मेन गेम नहीं है, वो चीजें हैं जो मेन गेम को स्ट्रांग बनाएंगे. तो इट्स ओके टू जोन आउट एंड टेक ब्रेक्स, बट व्हेन यू गेट बैक विथ अ न्यू एनर्जी, सच दैट वो होने के बाद व्हेन यू रिटर्न टू द मेन गेम, चीज़ें मक्खन के जैसे होती है. तो बेसिकली मेरा कहना ये है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द गेम. अंडरस्टैंड वो जो सब्जेक्ट्स हम कर रहे हैं बोरिंग से, ठीक है. अभी इफ एनी सिविल इंजीनियर इज वॉचिंग दिस वीडियो, शी और ही विल गेट ऑफेंडेड, बट दिस वीडियो इज मेंट फॉर आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स जिनको सब्जेक्ट्स बोर जाते हैं. देर आर इवन स्टूडेंट्स हु लाइक सब्जेक्ट्स, नो ऑफेंस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई परस्पेक्टिव. तो मुझे बस ये कहना है, तुम जो चीज़ करते हो वो करते क्यों हो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, तो फिर ज़िंदगी मक्खन सी हो जाती है. अच्छी लगी ना वीडियो मुझे पता है, तो शेयर करना, शेयर करो. चलो बाय, डू योर बेस्ट. प्रांजल व्यास, जोनिंग आउट.